टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की खबरों का आगाज हम मसाला जात की सनत की एक खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर में इस सनत से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि वो मुकामी किसानों से खाम मसाले खरीदते हैं और उनको प्रोसेस करने के बाद मार्केट में बेचते हैं। उनके ख्याल में ये सनत तेजी से फरोख पा रही है। स्पाइसेस जो है अगर हम देखें तो ये एक डेली कंज्यूमेबल है, तो डेली कंज्यूमेबल होने की वजह से ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी खासी अच्छी रहेगी मार्केट में। जब डिमांड अच्छी होगी तो सप्लाई भी देनी पड़ेगी, तो डिमांड सप्लाई के प्रोसेस में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका काम जो है एज मार्केटर होता है, मार्केटिंग के लिए होता है। तो फिर उसके बाद सही मार्केटिंग करने के बाद जब कस्टमर यूज़ करता है प्रोडक्ट तो उसका ध्यान सिर्फ फिर क्वालिटी पर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा है। हमारी मसाला टिक्की डिफरेंट आ रही है क्योंकि ऑयललेस होती है और बाकी सारे मसाले जो हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट दे रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में अल्लाह ताला के फजल करम से मशहूर हो रही, डिमांड आ रही है। इन मतलब बाहर भी जो आउट ऑफ कंट्री जैसे मलेशिया अमेरिका में कुछ लोगों ने हमारे प्रोडक्ट ले लिए, वहाँ पर भी इसको पसंद किया गया और हम कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट हम ले लेंगे गवर्नमेंट से इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ कुछ एस्टेब्लिशमेंट आ जाए तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट ले लें कि हम मुल्क के बाहर भी अपनी सप्लाई दे सकें। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरिंग के दो तालिब इल्मों ने इंडोनेशियन चिकन कदाक नाक, जिसको भारत में कड़कनाथ चिकन के तौर पर भी जाना जाता है, की फार्मिंग का कारोबार शुरू किया है। इस पोल्ट्री फार्मिंग को कश्मीर में शुरू करने का मकसद इस हाई प्रोटीन चिकन को कश्मीर में मुतारफ कराना है। We thought of starting a venture
joint venture together. So we started this poultry industry whose name is the Royal Feathers. So currently we are dealing with the Kadaknath, King Kadaknath, or also known as Ayam Simani, which is actually an Indonesian breed. So hum abhi usi ke sath deal kar rahe hain aur we thought of introducing it into the valley. So this is our idea. Actually, we got inspired that by the famous cricketer MS Dhoni, जो अभी इस venture के साथ बहुत बड़े पैमाने पे deal कर रहे हैं. We thought that why not us? Why not Kashmiris? Why not the youth of Kashmir can get into these activities? तो हम लोगों ने एक ये startup किया है that we can go and forward in these kind of field and we can take good part in these kind of activities. District Institute of Education or Training यानी DIET ने Indian Army की मदद से अनंतनाग के मुकाम पर असातजा की ट्रेनिंग का एक कैंप शुरू किया है, जिसके पहले फेज में 50 असातजा को ऑनलाइन और ऑफलाइन तदरीसी महारत फराहम करने के लिए चुना गया है. हम इस ट्रेनिंग कैंप की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं. हमारा ये मुद्दा और मकसद ये था हमारा कि हम अपने टीचर्स के यानी अनंतनाग जोन के टीचर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दें. लेटेस्ट जानकारियां जो भी आती हैं, आप जानते हैं सारा सिस्टम जो है ये अपडेट होता रहता है, और हाल ही में कोरोना की वजह से हम जानते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे थे तो ऑनलाइन पे जाना पड़ा, विच इज़ नाउ ए न्यू नॉर्म. तो उसमें कुछ टीचर्स की दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, कनेक्ट स्टूडेंट्स के साथ होने में. तो इसलिए हमारे सेक्रेटरी साहब ने एसआई के थ्रू, या जिसको आज हम एससीईआरटी बोलते हैं, उन्होंने डाइट को ये मैंडेट दिया कि आप टीचर्स को, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को फेज वाइज मैनर्स में ट्रेंड कीजिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में. इट वॉज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग द ICT information communication and technology, and basically these trainings happen the government is going to take trainings every year, but this time it was totally different. We have seen here a good experience from the army personnel, how they have managed the system here, and I was by myself, I will tell you that I was inspired a lot by the systematically the things they have arranged here for all of us. पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी बढ़ते हुए कोविड के केसेस के पेश नजर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने नए मेडिकल तकनीकों को मुतारफ करवाया है. कॉलेज इंतजामिया ने 3 ऑक्सीजन प्लांट्स की सलाहियत बताते हुए वाजे किया कि इस वक्त 4000 से ज्यादा मरीज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं. Thank you.
आज की डेट में हमारे पास 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें 2 1-1 हज़ार के हैं और 3 प्लांट जो हैं वो 750 के हैं। तो टोटल 4250 लीटर पर मिनट कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। अगर मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करूं तो 669 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 799 जो हमारे पास ऑक्सीजन छोटे और बड़े डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें एच टाइप, डी टाइप या बी टाइप हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। राजौरी के ही मकाम पर सूफी दरवेश नांगा बाजी के उर्स पर हजारों जायरीन ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं मांगी गईं और कोरोना वबा के खात्मे के लिए भी परवरदिगार से इल्तिजाएं की गईं। एक अकीदतमंद हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत से लोग हज़ारों के हिसाब से आते, अकीदतमंद लोग आते हैं यहाँ पे। हमने पिछले 12 साल से मैंने यही चीज़ महसूस की यहाँ पे, कि हर तबके, समाज का हर तबका जो यहाँ पे आता है बगैर मज़हब मिलत, यहाँ पे सख्त सिख बरादरी के लोग हमारे, हिंदू बरादरी के लोग हमारे, हर बरादरी का, जी मैं बोलूँगा हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं और अकीदत के साथ आते हैं और यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। जो इनकी रूहानी शख्सियत हैं उनकी दीदार करके जाते हैं, उनसे दुआएँ लेके जाते हैं। तो हम भी एक अकीदतमंद की तरह से यहाँ पे आते हैं और माशाल्लाह हम भी इनसे काफ़ी फैजयाब होते हैं और हम जो जो इनके साथ अकीदा हमारा जुड़ा हुआ है, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। हज़रत नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके उस शरीफ जो है उस पर लोगों ने हाज़िरी दी और यहाँ पर जो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो गद्दी नशीन है उन्होंने आज दुआ की है, सबसे पहले आपसी भाईचारे की और यहाँ मुल्क में हमारे अमन शांति जो है वो रहे, आपसी भाईचारा जो है वो हमारा जो है वो मजबूत रहे और जितनी भी लोगों को दुख तकलीफ़ें हैं वो जो है वो दूर हों। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।